हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम सेंटर है, वो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एसएससी ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जो है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम सेंटर के रिगार्डिंग चेंज जो होता है उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन जारी की थी कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर है सीएचएसएल का वह मॉडिफाई कर सकते हो 18 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में। आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है सीएचएसएल का वह आप चेंज कर सकते हो, डेट जो दिया हुआ था 18 तारीख से 20 तारीख के बीच में। तो आज इसका जो लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है, तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आप मतलब कि एसएससी सीएचएसएल का जो एग्ज़ाम सेंटर है वह कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पूरा प्रोसेस हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले गूगल में जाके एसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssnic.in, इस पर जाके आपको क्लिक करना है। आप जब यहाँ खोलोगे तो इस तरह का एगो फेस देखिए, इस तरह का फेस आएगा जहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड जो है वह मांगेगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो एसएससी सीएचएसएल का है वो डालना पड़ेगा, और आपका जो पासवर्ड था रजिस्ट्रेशन का वो डालना पड़ेगा। उसके बाद कैप्चा आपको डालना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह का एक फेस आएगा। देखिए इसमें लेटेस्ट नोटिफिकेशन जहाँ पर है वहाँ देखिए मॉडिफाई एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफ्रेंस, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए इस टाइप का आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन मॉडिफाई एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफ्रेंस। अब देखिए नीचे यहाँ जो है मॉडिफाई एग्जामिनेशन सेंटर प्रिफ्रेंस इंस्ट्रक्शन एग्जामिनेशन नेम, आपको यहाँ एग्जामिनेशन नेम सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल तो सीएचएसएल का ही दे रहा है, तो जैसा कि सीएचएसएल का नोटिस में बताया गया था कि ओनली जो है सीएचएसएल का ही एग्ज़ाम सेंटर चेंज होगा उस, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जो होने वाले हैं पहले सीएचएसएल का, इसीलिए एग्जामिनेशन सेंटर जो है सीएचएसएल का चेंज करने के लिए कहा गया है। चेंज जैसा कि होगा आपका आप कर सकते हो। तो आपको यहाँ सीएचएसएल का मतलब कि सिलेक्ट कर लेना है एसएससी सीएचएसएल का जो है। देखिए यहाँ जैसा देख रहे हैं आप लोग लिखा हुआ है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 एग्जामिनेशन, आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे देखिए सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट कर दीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पर दिखा मतलब देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन नंबर जो है यहाँ लिखा हुआ रहेगा, आपको सबमिट कर देना है। आप जब सबमिट करोगे तो देखिए इस टाइप का आ जाएगा आपके स्क्रीन पर। तो जैसा कि आपने पहले जो प्रेफरेंस सेंटर का दिया था वो पहले यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि इसमें देखिए रांची है, कोलकाता है, सिलीगुड़ी ईस्टर्न रीजन का। तो देखिए नीचे लिखा हुआ है नोट इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई योर प्रेफरेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर फिल योर रिवाइज्ड प्रेफरेंस बिलो। तो जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप चेंज करोगे आपको यहाँ पर डालना है रिवाइज्ड प्रेफरेंस ऑफ फॉर एग्जामिनेशन। तो सेंटर जो आपको चूज करना, आप सेंटर 1, 2, 3 में दे सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ अपडेट में जाके देखिए नीचे यहाँ अपडेट रीसेट बता रहा है, तो आपको अपडेट पर जा क्लिक करना है। उसके बाद अपडेट करने के बाद देखिए इस तरह का स्क्रीन पर आ जाएगा रिवाइज्ड प्रेफरेंस फॉर एग्जामिनेशन सेंटर अपडेट सक्सेसफुली। देखिए आपका जो है अगर आपका सही से अपडेट हो गया तो देखिए इस टाइप का आ जाएगा, यहाँ सक्सेसफुली आपका जो है वह बता दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इजी प्रोसेस है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसको करने में। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको आप शेयर कीजिए, बहुत स्टूडेंट इसके बारे में पता नहीं है कि एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो रहा है। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, सबको पता चलेगा अपना जो है एग्ज़ाम सेंटर जो वह चेंज कर लेंगे। और आपका जो COVID-19 पेंडेमिक के कारण जो है बहुत से स्टूडेंट को आने जाने में प्रॉब्लम हो रहा है, वैसे भी आपका जो प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर आप जो आपका नज़दीकी जगह पर है वहाँ पर दीजिए, आपका एग्ज़ाम सेंटर वहीं पर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।